टू माय चैनल ओम कृतिका मैजिक। तो आज मैं एक और व्लॉग लेके आई हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं गार्डन का व्लॉग लेके आई हूँ। देखो आप मेरे गार्डन की हालत ही देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के विंटर के यहाँ पे बिल्कुल भी धूप आती नहीं थी। तो अब हम लोग समर आ गए हैं, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे अच्छे से प्लांट्स लगाएं। तो अभी ऑटम सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी लीव जो झड़ चुकी हैं, गिर चुकी हैं। तो अभी उसको हम साफ़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आए इसके व्लॉग के बाद वाला। तो फ्रेंड्स, मैं वॉइस कवर कर रही हूँ क्योंकि फिर वहाँ पर वॉइस इतना ज़्यादा अच्छे से आ नहीं रही थी। तो देखिए, ये मेरा लेमन का ट्री है। इसमें देखिए कितने प्यारे छोटे छोटे से लेमन आ गए हैं और कुछ बड़े बड़े हो गए हैं। और अभी तो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ यहाँ की। तो फ्रेंड्स देखिए, इतने पूरे कचड़े को, और यहाँ पे भी है इतने सारे कचड़े को, मुझको बास्केट में भर भर के फेंकना है। देखिए कितना सारा कचरा है। तो ये देखिए, ये हमारा हिबिस्कस का फ्लावर होता है, उसका पेड़ है, और ये है नींबू का पेड़, दोनों ही साथ में ही है। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक प्यारी सी झोपड़ी। पहले तो इसका जो कचरा हमने साफ किया, यहाँ से निकालना पड़ेगा इसको, बास्केट में भरने के लिए। ये है मेरा एक हथियार और ये है मेरा दूसरा हथियार। इससे मैं साफ सफाई करती हूँ और इससे मैं पेड़ों को काटती हूँ। अरे वैसे पेड़ों को नहीं, छोटे छोटे जंगली पेड़ों को जो किसी काम के नहीं होते, फालतू का कचरा करते हैं, वैसे पेड़ों को। देखिए फ्रेंड्स, मैं उनमें से मैं आपको एक पेड़ दिखा रही हूँ जो इतने इतने से जगह कवर किए रहते हैं। ये ऐसे टाइप के पौधे जो होते हैं ना, इनको देखो मैं पाउडर से हटाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये इतना कचरा इकट्ठा कर लिया है। और अभी मैंने पूरा यहाँ पे फावड़ा चलाया था और झाड़ू लगाई थी। तो गाइज, ये हैं हमारे टमाटर के पौधे, इनको चेरी टमाटर भी, टमाटो भी बोलते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये पक भी गए हैं। इनकी पता चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अभी हम इनको तोड़ के आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में कितने सारे टमाटर आए हैं। कुछ कुछ कच्चे हैं और कुछ कुछ बहुत सारे पक गए हैं, कुछ कुछ नहीं। आप भी अपने गार्डन में देखिए ऐसे टमाटर लगा। तो फ्रेंड्स, मेरी प्लेट हो चुकी है फुल और धूप भी हो चुकी है फुल और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं थक भी गई हूँ। तो ओम गया हुआ है स्कूल और मेरी क्लास का वैक्सीनेशन था, तो मेरा हॉलीडे था, तो मतलब मैं 12 इयर्स की नहीं हुई हूँ, तो मुझे नहीं लगनी थी। अच्छा, तो जब वो आएगा तब उसको सरप्राइज़ देंगे हम लोग टेंट हाउस बना के। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्लेट भर गई लेकिन अभी टमाटर खत्म नहीं हुए। देखिए कितने सारे लगे। फ्रेंड्स, ये मम्मा सफाई करते हुए, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया मम्मी ने। फ्रेंड्स, अब सबसे अच्छी घड़ी आई है, मम्मा बना रही है हम लोग के लिए टेंट हाउस, वो भी इस चद्दर से, जो कि बनेगा इधर यहाँ पे। ये पेड़ों जो है ना, उनकी नीचे लो मम्मा बनाओ। अब देखते हैं मम्मा कैसे बनाती। हमने बोला तो चुन्नी ले आना। चुन्नी मिली नहीं मेरे को, ये चादर मिला था फटा हुआ। हाँ, ये क्या किया? फटे हुए को फाड़ दिया। क्या हो रहा है ये? ये इसका आधा टुकड़ा यहाँ है, आधा टुकड़ा मम्मी के पास। मुझको ये वाली क्लिप लाने के लिए कहा था लेकिन मुझको वो एक ही मिली। चलो उनसे पूछते हैं कहाँ रखी। मम्मा, बाकी ये क्लिप कहाँ रखी हुई है? झूले के यहाँ पर। चलो रखे आते हैं। यार ये तो बहुत ऊपर है, बहुत ही ज्यादा ऊपर है। तो अब क्या करूँ? और एक ही है यहाँ पे भी, एक ही है ना। लो मम्मा को दो मिली, थ्री बस हुई है। वाह, यहाँ इतना बन भी गया।
देखते ना कुछ बन गया है, ये कुछ चादर सुखाने की जुगाड़। क्या है ये? चेंजिंग रूम बना दिया। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर कितने सारे सारे हो गए। क्या करूँ मैं? इस गार्डन से मेरी बहुत छोटे छोटे की मेमोरीज भी जुड़ी है ना मम्मा। जब मैं नहा नहा के आती थी ना, तो देखो इस वाले पत्थर पर बैठती थी, यहाँ पे मस्त धूप आती थी। मैं इसका नाम भी रखती थी जब सुबह यहाँ पे, मतलब पूरा ऐसा खिचड़ी नहीं पकी हुई थी, अच्छा था ये गार्डन बहुत। तभी दादी आती थी सुबह पौधों को पानी देने के लिए, तब इस पर भी पानी डाल देती थी। फिर मैं जब ये धुलता था इस पर बैठती थी ना, मैं कहती थी दादी से, दादी मेरे पत्थर को भी नहला दो। और यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आती थी, उनका दाना डालती थी मैं। बहुत मज़ा आता था बचपन में। नीबू देखो इतना बड़ा। ओ वाओ अमेजिंग, देखिए कितना बड़ा बड़ा सा नींबू है। अच्छा भी है ये तो, बस पक जाएगा फिर अपन नींबू पानी बनाएंगे। फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना कि नींबू पानी किसको पसंद है। हमें तो भाई नींबू पानी बहुत पसंद है। एक ये छोटू सा है, बहुत छोटू सा है। फ्रेंड्स हमारा टेंट हाउस कितना अच्छा बन गया है। मम्मी आपने, थैंक यू, आपने इतना अच्छा टेंट हाउस बना दिया। देखो मैंने इसके अंदर डेकोरेट भी कर लिया है थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स क्या था, ओम लगा हुआ था 3-4 दिनों से कि मम्मा टेंट हाउस बना दो, टेंट हाउस बना दो। तो मम्मा ने सोचा कि यहाँ पे गार्डन में टेंट हाउस बना दे। और तो क्या रहता है ना कि हम लोग पुलिस क्वार्टर्स में रहते हैं, तो वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं रहती रूम में, और छोटे छोटे रूम रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा उसको टेंट हाउस बना के सरप्राइज देंगे। देखो मुझे तो मम्मा का सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, मतलब सरप्राइज तो नहीं, गिफ्ट वालों बहुत अच्छा था। थैंक यू मम्मा। पूरा कंप्लीट तो होने दो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी पंछियों की आवाज़ है, और कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, कितना अच्छा मौसम है। तो वही हम लोग बैठेंगे यहाँ पे, बैठ के पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे, पार्टी करेंगे। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आ चुके हैं, उन्होंने देखा कि टेंट हाउस बना हुआ है। तो आगे क्यूटी दीदी ये क्या बनाया है आपने बगीचे में? तो और मैंने उनको जब सरप्राइज़ के बारे में बताया कि ओम को सरप्राइज़ देना है, तो मैंने कहा नहीं मैं भी आपके साथ रुकूंगी, मैं भी दूंगी आपको सरप्राइज। तो ओम क्योंकि स्कूल गया है ना, उसके लिए सरप्राइज। अपना नाम बताओ। मेरा नाम अवनी दुबे। अरे जोर से बोलो, क्या नाम? पूर्वी। इधर देखो पूर्वी। रेडी होके आ गई हूँ, और मतलब 2 बज गए अब, ओम मतलब आने ही वाला होगा, और हम लोग बस उसका वेट कर रहे हैं। हाय गाइस। सारे फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं उसके आने का। तो चलिए देखते कब तक आता है वो। हाँ उसका रिएक्शन देखेंगे कि कब तक वो टेंट को देख के क्या कहता है। तो जब आता है तब 5 मिनट तो हो गए, अभी तक ओम नहीं आया यार। प्लीज मुझे आइस खोल ले दो ना, पापा ने बताया था टेंट हाउस, प्लीज खोल ले दो ना दीदी आइस। कैसा बना है टेंट हाउस ये तो बता दो थोड़ा सा बस। बहुत अच्छा लगा मुझे तो, थैंक यू। क्या लगा? बहुत अच्छी हो मम्मा और दीदी, थैंक यू।